हेलो गाइस, दिस तुषार बैक विथ अनदर वीडियो। तो गाइस, GTA की गेम खेलना किसको पसंद नहीं है। आप GTA वाइस सिटी ले लो, GTA सैन एंड्रियास ले लो, और अभी तक का मोस्ट पॉपुलर GTA 5 ले लो, क्योंकि ये जो गेम है ये ओपन वर्ल्ड है और लोगों को ओपन वर्ल्ड गेम खेलना बहुत पसंद है। तो GTA 5 तो अभी बहुत पॉपुलर चल रहा है। तो GTA 6 के बारे में हम बात करें कि GTA 6 कब लॉन्च होगा। तो गाइस, लॉन्च तो अभी पता नहीं कब होगा, क्योंकि अभी जब PS5 अभी न्यूली लॉन्च हुआ है, जो गेमिंग कंसोल है PS5, तो अभी उसमें अभी तक ये भी नहीं बताया कि GTA 6 कब आएगा। बस उन्होंने ये बताया है कि 2021 में GTA 5 का इनहेंस्ड वर्जन आपको PS5 में देखने को मिलेगा। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि GTA 6 में क्या क्या होना चाहिए, हम क्या क्या चाहते हैं कि GTA 6 में हो, जो गेम को बहुत भी बढ़िया बनाए। तो गाइस, वीडियो अंत तक देखना मत भूलना। अगर हमारा चैनल बनाया है तो भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो पहली चीज है GTA 6 में लोग चाहते हैं वो है कि पुराने कैरेक्टर्स उनको वापस लाया जाए, जैसे टॉमी वाइस सिटी का और सीचे सैन एंड्रियास का। तो अगर ये जो कैरेक्टर्स आ जाएंगे GTA 6 में तो और भी अमेजिंग गेम बन जाएगा, क्योंकि GTA वाइस सिटी जो है अभी भी बहुत पॉपुलर गेम है, और GTA सैन एंड्रियास भी। वाइस सिटी अभी 19 साल हो गए पर गेम बहुत अमेजिंग है, क्योंकि जो न्यू जो आया था वाइस सिटी, तो ओपन वर्ल्ड गेम जो हमने देखा था, जैसे हम पुलिस कमीशन कर सकते हैं, टैक्सी कमीशन कर सकते हैं, और मतलब बहुत बढ़िया गेम था वाइस सिटी। तो ये चाहते हैं कि टॉमी और सीजे साथ वापस आ जाएँ इसमें, क्योंकि सैन एंड्रियास भी बहुत बढ़िया गेम है। तो पब्लिक ये भी चाहती है कि वाइस सिटी का मैप हो GTA 6 में, क्योंकि आप अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे कि GTA 6, तो GTA 6 में ज़्यादातर वाइस सिटी का ही मैप बता रहे हैं। तो पब्लिक यही चाहती है कि GTA 6 में वाइस सिटी का मैप हो, पर जो वाइस सिटी में जो मैप था मियामी, वो तो बहुत छोटा मैप दिया उनने, पर मियामी बहुत बड़ा है, तो बड़ा वाला मैप दे देना चाहिए, या फिर और भी सैन एंड्रियास, लॉस सैंटोस जो है, या लिबर्टी सिटी। तो गाइज, अब देखते हैं कौन सा मैप हमें देखने को मिलेगा GTA 6 अब जब आएगा देखने को मिलेगा। पर पब्लिक यही चाहती है कि वाइस सिटी का मैप हो, या फिर GTA 6 में एक ऐसा मिशन होना चाहिए जिसमें सारे ओल्ड कैरेक्टर्स जो हैं आ जाएं, जैसे वाइस सिटी के, सैन एंड्रियास के, लिबर्टी सिटी, GTA 3 और GTA 5 के। तो ऐसा कुछ मिशन होना चाहिए रॉबरी वॉबरी का, तो जिसमें है सब हेल्प करेंगे, तो इसलिए जो गेम बहुत अमेजिंग बन जाएगा अगर ऐसा मिशन हुआ या फिर ओल्ड कैरेक्टर्स आएँ, तो ज़रूर से हमें मज़ा आएगा GTA 6 में। सो अगर आपने GTA के सारे गेम्स खेले हैं तो आपको ज़रूर से पता होगा कि GTA ने अभी तक जितनी बिल्डिंग्स, जितने मैप में बिल्डिंग्स बताई हैं, तो उनमें एक्सेस बहुत कम में होती हैं। तो GTA 6 में क्या करना चाहिए कि बहुत सारी बिल्डिंग्स रहना चाहिए जिनमें हम एक्सेस कर पाएँ, और मैं ये चाहता हूँ कि एकदम हमको जो कैरेक्टर रहता है एकदम रियलिस्टिक देना चाहिए, जिससे टाइम के साथ उसकी बीएड भी बढ़े। जैसे हमने रॉकस्टार का गेम है RDR, तो उसमें देखा है जैसे उसकी बीएड बढ़ती है और वो नहाता नहीं है तो उसमें से स्मेल भी आती है, तो ऐसा सब भी आपको रियलिस्टिक GTA 6 में देखने को मिलना चाहिए। तो गाइस, आपने देखा होगा कि GTA 5 जैसे लॉन्च हुआ था, तो PC में आपने बहुत देखा होगा कि लोगों ने बहुत मोड लगाए, तो आपको GTA 6 में हमको ये चाहिए कि आप कंसोल में भी, जैसे PS4 या PS5 जो लॉन्च होगा, तो उसमें भी हमको कंसोल में भी आप मोड लगा पाएँ। जैसे अब हमारी फैंटेसी पूरी करने के लिए मोड लगाते हैं, तो हमको कंसोल में भी मोड्स देखने को मिलना चाहिए। सो गाइज, अगर आपने वाइस सिटी खेला है तो आप जानते होंगे उसमें एक अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग रहती है, तो इसमें आपको क्या करना है जी GTA 6 में कि अंडर कंस्ट्रक्टेड जो बिल्डिंग रहती है वो गेम खेलते खेलते टाइम के साथ मतलब कंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए, मतलब एकदम रियलिस्टिक बनाना चाहिए। और अगर आप देखते होंगे, अगर आप जितने भी GTA गेम खेल रहे हैं, तो उसमें आप जब भी मतलब जो हाउस ऑन रहते हैं या बिल्डिंग्स रहती हैं, आप उन पर जैसे लॉन्चर वॉन्चर या बम वम लगाते हो, तो वो पूरी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, गेट तक भी नहीं टूटता है। तो हमको इसमें GTA 6 में रियलिस्टिक बनाना है ना, तो डिस्ट्रक्टेबल बिल्डिंग्स बनाना पड़ेगा, तो इससे गेम और भी रियलिस्टिक बन सकता है। सो गाइज, अगर आपने GTA गेम खेले तो आप जानते होंगे उसमें अभी तक ऐसे नेचुरल डिजास्टर ऐड नहीं कर रहे, तो हम GTA 6 में ये देखना चाहते हैं कि नेचुरल डिजास्टर हो, जैसे अर्थक्वेक, लाइक वोल्केनिक इरप्शन हो,
सैंड स्टॉर्म, टोर्नाडो, ऐसे मतलब हो तो गेम और भी रियलिस्टिक बन जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि जो जो हाउस ओन रहते हैं, बिल्डिंग्स रहती हैं, तो वो टाइम के साथ ओल्ड होते जाए, जैसे बीच वो डल हो जाए, ऐसे मतलब जो हाउस होने उनके कलर फेड हो जाए, या फिर रोड जो है बहुत पुरानी हो जाए, उन पर मतलब खड्डे हो जाए। मतलब आप जानते हैं एकदम रियलिस्टिक गेम बनाना है तो ये सब करना पड़ेगा, तो गेम और भी रियलिस्टिक हो जाएगा। और मैं तो बहुत सारी चीज़ें चाहता हूँ पर्सनली, जैसे कि इसमें स्पेस गेम और नासा भी ऐड कर देना चाहिए, इसमें स्पेस मिशंस हो, तो और भी गेम एकदम रियल बनना चाहिए। तो गाइज मैं तो चाहता हूँ कि गेम बहुत बढ़िया बने, तो आप भी बताइए, आप कमेंट्स में बता सकते हैं आपको कि गेम में आपको GTA 6 में क्या क्या चाहते हैं। तो ज़रूर से वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप मुझे ज़रूर से कमेंट में बताना आप क्या क्या GTA 6 में देखना चाहते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और अगर आप हमारा चैनल बनाए तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लाता रहता हूँ। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।